तू का कर रहा बड़ू? अभी तार भाई है, तू उसे बदला लेवे चाहता डू? हम उनके बर्बाद कर देवे चाहता नहीं। I want to destroy him। एकर तो सच में दिमाग खराब हो गया बिया। ऐसे रहल तब तो हमारा अभी से शादी ना होके दी। कुछ करे होके एकर। फाइन, तरह के जे करे के बिया करा, पर गुस्सा में पहले कुछ प्लान करा, फिर कौन स्टेप उठाया। ये तो प्रॉब्लम है ना तनु, हमार दिमाग काम ना कर रहल बा। यही लाता हम तहरा के बुलवनी। यस, अगर हम के बुलवलू तो हमार बात भी माना। का आई थिंक कुछ दिन खातिर तहरा के आउट ऑफ इंडिया चल जाए के चाहिए। Have you lost it? हम यहाँ पे तहरा से राय मंगनी और दू कहरल बाड़ो कि हम ही सब छोड़ के कहीं बाहर चल जाइए और पीछे से सब कुछ खराब हो जाओ हमरा ला। पहले पूरा बात तो सुन, हम का कहे चाहता नहीं। ये वक्त तो बहुत गुस्सा में बाड़ू, ये वक्त तो कुछ भी प्लान करबू तो अभी के पता चल जाये और पूरा ना होके दी। और ई बारू तरह के अपन घर से ही बाहर निकाल दी। दादी तरह के पहले एक बार रोक चुके बानी, अब दोबारा ना रोक पाई है, फिर तो कुछ भी ना कर पाई बुआ लिया। तरह जॉन भी स्टेप उठावे के बिया ठंडा दिमाग से उठावे के पड़ी। और एक तरह यहाँ से चल जाए के चाहिए। का भाई हम तरह से बात कर रहा बिया, तू सुन भी रहा बाड़ू की ना? आई थिंक यू आर राइट। कुछ दिन खातिर बाहर जाए तो ठंडा दिमाग से सोच भी पाई। दिमाग तो चली कि कौने तरीका से केकरा से बदला लेवे के बाद और कैसे बदला लेवे के बाद सब प्लान कर सकब। पर तनु तहरा के हमारे को काम करे के पड़ी। अगर पीछे से तहरा के लगा था कि पूरब और बुलबुल एक दूसरे से फिर से शादी करे वाला बड़े तो यू हैव टू इन्फॉर्म मी एट अर्लीस्ट। ओके, डोंट वरी, हमरे होकते ऐसा कुछ भी ना होगी। पर फिलहाल तू यहाँ से जा, जाके अपन पैकिंग करा, काहे की तहरा के आज ही निकले के भी। ओके, ये तो कोनो अलगे ट्रैक पे चल रहा भैया। आई होप जब तक ये वापस आई हमार अभी से शादी हो चुकल होगी और फिर हम एके आराम से समझा लेब। तैयार हो गई लिस्ट? डोंट वरी दादी, जैसन हम बोले रहनी सब हो जाए। और दादी आप हमके जे भी काम करेला कहनी ना वो हम कर देब, ओकर आप बिल्कुल भी चिंता ना करी। धीरे बोला, धीरे। धीरे काहे दादी? अरे हमनी अभी के सरप्राइज बर्थडे प्लान कर लेवानी तो सबके पता बा, तई में छिपावेला कौन सा बात भइल? दीदी एक एक कहां से पकड़ के ले आई बाड़ू? हाँ, लोगन के अकल घुटना में हो खेले, एकर ता चप्पल के नीचे हो। अरे हम यही ला बोल रहल बानी कि प्रज्ञा के पता ना चले। लेकिन दादी प्रज्ञा के का टेंशन बा? प्रज्ञा के बर्थडे थोड़े ना, बर्थडे ता अभी के आना। हे भगवान, इधर आओ। अगर प्रज्ञा के पता चल गई तो का वो अभी के ना बताई? हो अरे अभी आ गए, चला जाओ यहाँ से। या अरे आकाश, अरे का भाई आप लोग ऐसे मुंह काहे फेर ले ले? अरे बेवकूफ, पीछे देख पीछे। अरे इधर अभी और प्रज्ञा बाड़े तो का टें? दादी सॉरी। सॉरी के बच्ची? दादी। हाँ बेटा। दादी हमार खाना ऊपर भिजवा दी, नीचे खाए के मन नहीं कर। ठीक बा बेटा, तू जाओ आराम कर, सो जाओ, हम खाना ऊपर भिजवा देता नहीं। हाँ कमाल बा, इतना आसानी से मान गई नहीं, रुकनी भी ना। तू खड़ा बड़ा, जाओ बेटा जाओ। हाँ जाता नहीं। प्रज्ञा जी दादी? ना 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 ना, वही जे खड़ा होके सुन ली, आवे की जरूरत ना बा, आज तहार खाना भी ऊपर भेजवा देता नहीं। तू भी जाओ अभी के साथे खाना खा लिए। हाँ ऊपर, हाँ जा, थकल बाड़ू ना, सूझ जाई है। अरे जाओ। ठीक है। मिताली जी दादी, एको काम कर, तू ना आलिया के पास जाओ, ओके बोल कि हमने अभी ला सरप्राइज पार्टी रख रहल बानी ओकर बर्थडे के, वो आ जाए यहाँ। का पता आपन बर्थडे के दिन अभी ओके माफ कर देवे। ई दादी हमके कौन से काम बोल देनी, वो आलिया कितना आग बबूला हो रहल बिया और ओकरे सामने भी गईनी ना हम तो वो हमके जला के राख कर दी।
मिताली तू तो गलत समझ रहलू, ई आग बबूला ना बिया, ई तो ज्वालामुखी है ज्वालामुखी जे कबो भी फट सकेला। आलिया तू घर छोड़ के जा रहल बाड़ू, मिताली सोच समझ के बोल जरा, ना तो ई ज्वालामुखी तहरे ऊपर ही फट जाए। आलिया अब हमार मतलब बा, तू कहीं जा रहल बाड़ू? आपसे मतलब? ना, हमसे तो घर में कोनो मतलब ही ना हो खेला। हम बेचारी भोली भाली हर केहू के रूम में चल जाइले और हाल चाल पूछ ले वेनी। हम आपसे बोलनी हमरे पास आवे खातिर? ना तू ना बुलावलू, उता हम खुदे। हाँ हम तो तारा के दादी के बात बतावे आयल रहनी। तू शायद भूल रहल बाड़ू आलिया, अभी के बर्थडे बा कल, त हम सब लोग ना एगो सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहल बानी। तो दादी चाहत रहनी कि तू ऐसा कुछ करा कि अभी तारा के माफ कर देवे। कौन अभी? कौन अभी मतलब? तार तबीयत तो ठीक बा, दिमाग तो ना खराब हो गए बा? अभी अभी द रॉक स्टार तहार बड़ भाई। हमार कौनो भाई ना बा, और ना ता हम केहू से बात करे चाहता नहीं। जाके दादी के बोल दी हम कुछ दिन खातिर बाहर जा रहल बानी, ऐसे हम केहू से मिल ना पाई। हाँ तू बाहर जाओ, लेकिन पार्टी तो अटेंड करके जाओ। हमार मतलब है तू विश तो कर दी अभी के। हम बोलनी ना हमके केहू के विश ना करे के बा हमार कौनो भाई ना हा। अब एकरा से पहले कि हमार सारा गुस्सा तहरा पे निकले, इट विल बी बेटर दैट यू लीव। शांत शांत अपन पैकिंग करा, हम जा रहल बानी। भलाई के तो जमाना ही नहीं के। आलिया हम उ कहत रहनी की हमनी कहनी ना लीव। जा रहल बानी। रॉबिन ई तो रॉबिन रॉबिन हमार कॉफी ये अभी तक रॉबिन ना एक कॉम बोले बनी कॉफी तू हम रॉबिन के बोले रहनी ना कॉफी बनावे खातिर। हम किचन में रहनी, हम सोचनी कि हम बना दे। काहे आदत डलवा तारू, तरह जाए के बाद हमरा खातिर कॉफी के बनाई? प्लीज जोन जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, बदले की कोशिश मत करा। सब ठीक बाना, अब बेवजह काहे गुस्सा करल पड़ा? I'm sorry. कुछ अजीब से लगा था, बेचैनी से हो रहा बा। तबियत तो ठीक बाना आपके? हम कॉफी पी लेब तो ठीक हो जाएगा। ए कॉफी में तू अपन उंगली घुमा ले बाड़ू का? उंगली कॉफी में का है? हमेशा से आज कुछ ज्यादा ही मीठा लगा था। आपके मन में ये सब बात आवेली कहां से? उंगली घुमलवा से कभी कॉफी मीठा भेलबा? डिपेंड करेला ना के घुमावे वाला के बा। अगर घुमावे वाला इंसान स्वीट होके ना तो ओकर हाथ के बनल हर चीज स्वीट।
थैंक गॉड आज हम लोग वॉक पे आ गए नी। पता बा डॉक्टर कहले बानी हमनी के रोज वॉक पे जाए के चाहिए। आई नो एक खातिर तोरा के लिए कहनी है नाइट वॉक पे, तोरा होखे वाला बच्चा के भी। पर रोज कहाँ ले आवेला, हमके तो रोज आवे के बाना, बस हमेशा काम में बिजी रहेला। ओ रचना ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉल बा, ओब्रेस हमके बात करे के होगी प्लीज। का आकाश बाहर आवा टाइम भी तो काम के साथ ले आई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एगो काम करो तू 2 मिनट ही बैठा, हम 2 मिनट में कॉल खत्म करके आवत आनी। मैम प्लीज एक्सक्यूज मी प्लीज। या मिस्टर ओब्रेस टेल मी आकाश का भाई हम तनी देर में बात करते नहीं आपसे। सॉरी बाद में हमारे पास टाइम नहीं है। आपके डील अभी हमरा से फाइनल करे के होके। देखिए हम घर से बाहर बानी, हमारे वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है, हम फोन करते नहीं आपके। हमार कंपनी के साथ हर क्यों डील करल चाहेला, और जब भी मौका हम आपके दे रहल बानी आप हमके एक्सक्यूजेस दे रहल बानी। या तो ये डील आज फाइनल होगी या तो फिर कैंसिल होगी। आप एक काम करिए, एक डील कैंसिल कर दी। आई रियली डोंट केयर, दुनिया आपके साथ जुड़ल चाहत होगी पर हम ना, हम उन लोगों के साथ जुड़े चाहिए जगह रिश्ता और इंसानी दिभाव की कदर होके। आर यू फीलिंग वेल, व्हाट हैपेंड? आई थिंक बेबी किक कैलक। क्या बात है, बेबी अभी से किक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा बा। चलो घर चल जाओ, कम। थैंक यू मैम। सुना हम के आपके पर्सनल मैटर में बोले की देना चाहिए, लेकिन अभी आप जे भी कह लेना वो बिल्कुल ठीक कह ले। काम से ज्यादा आपके अपन वाइफ के इम्पोर्टेंस दे ले और ओके भी समझा दे ले, जेकरे मन में इंसानियत नाम के चीज ना बा। लाइफ में हमनी के काम करे के आगे बढ़े के बहुत मौका मिलेला, लेकिन अगर हमनी एक भी गलत फैसला कर लेनी तो सुख से रहे के सब मौका खत्म हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लोग अपन रॉक स्टार अभी मेहरा के बर्थडे खातिर काफी एक्साइटेड बाड़े, स्पेशली यंगस्टर्स। आपके बर्थडे आप हमके बता लेगा है ना कि आपके बर्थडे हो? बताओ वाला कौन बात बा? बताइए ना तो हमके पता कैसे चली? तू फ्रेंड हो ना, तो फ्रेंड्स के सब पता होगे के चाहिए। ता आप बताइए हमार बर्थडे कब होगेला? ता बर्थडे कोनो दिन कोनो महीना हर साल। अरे मैं बुरा माने वाला कौन बात बा? सब का बा आपके बर्थडे सेलिब्रेट करे के बा? हमके कोनो सेलिब्रेट ना करे के बा, हमार मन नहीं के। मन ना बता हमने के नया दोस्ती खातिर प्लीज। हमरे साथ ये आपके पहला बर्थडे है हमरा ला प्लीज। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear. Nana, pehle birthday boy. Thank you. का करत हम लगाए? तू तू कहे लगाइबू? आपके हम लगाए बाप, हमके लगाओ लेना। हम फिर से लगा दे ना। हां आप ना लगा सके ना लगा बाबू। लगा लगा। हैप्पी बर्थडे। तनु तू हम वॉशरूम से होता नहीं, हमके तरह से कुछ बात करके भी चल हमरा साथ। तनु देखा एक बार हमार बात सुना तो, तनु तू अचानक ऐसे सब सब ठीक भी आना? तारा सब कुछ ठीक नजर आ रहा है भैया। तू जाने लो कि प्रेग्नेंट होके के मतलब का होखेला, और हो वो लड़की की जेकर अब तक शादी भी ना भइल भैया, और ऊपर से हमार पेरेंट्स, तू जाने लो वो लोग का चाहत बाड़े? हम जाने ला हमनी के बात भइल रहे उनसे तनु, लेकिन ऐसे अचानक आके तू अचानक कुछ भी अचानक ना हो रहल बा प्रज्ञा। अब इन तारा आइडिया भी बा हमारा हमारे पेरेंट्स के रोकब कितना मुश्किल बा। वो तो लास्ट टाइम भी दादी के सच बतावे वाला रहले, लेकिन हम उनके रोकनी कि अगर दादी के सच बतेवत हम सुसाइड कर ले। हम सोचनी ऐसा कह के तरह और अभी के थोड़ा सा टाइम मिल जाए,
पर ना, तू लोग हमार लाइफ स्पॉइल करके यहाँ लाइफ के मजा ले रहल बड़ा, मस्ती कर रहल बड़ा। जिसे लाइफ की कोनो टेंशन ही ना भी है ना तारा के, हम यहाँ पे टेंशन ले लेके मरल जा रहल बानी। तू गलत समझ रहल बाड़ू, तनु दरअसल उनकर बर्थडे है ना आज और ए राइट। आज अभी के बर्थडे, कल तहार बर्थडे होगी और परसों दादी के, तहार एंजॉयमेंट ऐसी चलत रही और हमार प्रॉब्लम होइजे क्या होइजे, व्हाट द हेल। कल हमार मॉम डैड आ जाइए, अभी उनसे फिर से टाइम मांगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी दादी के सच ना बता सकत, लेकिन तू का कर रहल बाड़ू। हमके शादी के होप दिखा के अपन पाव ऐजे जमा के बैठल बाड़ू। तहार जाए की इरादा बा भी की ना, कि हमरे साथे कोनो गेम खेल रहल बाड़ू। तनु देखा तू गलत समझ रहल बाड़ू, ऐसन कुछ ना रहिया। कैसन बाप रह गया, इतना बड़बड़ बात करके तू कुछ करत काहे नहीं खे। अच्छा खासा अबॉर्शन करवावत रहनी, लेकिन ना तू हमरा से कहलू कि तू हमारा और हमार बच्चा के अपन हक दिलवाइबू, अभी से शादी करा के घर के बहू बनेबू। लेकिन का तू तो अपन बहन के शादी में लग गई, ओकर तो शादी भी ना हो रहल बा, अब के कर वेट कर रहल बाड़ू तू हमार बच्चा के पैदा होके। ना तनु प्लीज काम डाउन, हमार बात समझ के देख। अगर हमार बच्चा पैदा हो गई तो ना तो हम घर के रह और ना अपन घर के, सो इट्स नाउ और नेवर। तनु हमार बात सुना दिखा, तू एक बार ठंडा दिमाग से हमार बात सुना, हम कोशिश कर रहल बानी। का कोशिश कर रहल बाड़ू तू प्रज्ञा, तू कुछ ना कर रहल बाड़ू, लेकिन अगर हमार मॉम डैड आ गए ना तो बहुत कुछ करी और ई बार हम ना रोकब। फिर अभी के रेपुटेशन, दादी के हेल्थ, सब कुछ तहार जिम्मेदारी है। का तू ऐसा चाहता रू, और अगर हाँ तो हमके बता दे कि हम उस हिसाब से सोची। और दादी से कब तक छिपाइबू, आज न तो कल उनके पता चले कि बेना, तो अभी काहे ना हमके बतावा। ऐसा कोनो स्पेशल दिन जोन दिन दादी की हमने सच बताई तो उनके बुरा ना लगे, ऐसे कोनो मुहूर्त भी जोन दिन दादी के बताई तो उतारा के छोड़ के हमके एक्सेप्ट करिए, नहीं खे ना तो काहे ना कर रहल बाड़ू कुछ। तू उनके सच छिपा रहल बाड़ू, धोखा दे रहल बाड़ू उनके, और जितना बार धोखा देबू ना तू, ऐसे ना होगी कि तरह साथ हमके भी सजा देवे दादी। अगर सीरियसली तुमके घर में लावे चाहत बाड़ू तो तरह के अभी कुछ करके होगी, कहे की कल के बाद हमार मॉम डैड कभी भी आ सकेले, तो तहरे पास सिर्फ कल के दिन भी। अगर कल तू कुछ न कहलू तो परसों हम करो। अगर सीरियसली तुम के घर में लावे चाहत बाड़ू तो तरह के अभी कुछ करके होगी, कहे की कल के बाद हमार मॉम डैड कभी भी आ सकेले, तो तहरे पास सिर्फ कल के दिन भी। अगर कल तू कुछ न कहलू तो परसों हम करो। तनु ठीक कह रहा, इस सच एक दिन बाहर आ ही जाई, और जब सच पता चले की ही बात अभी का है ना, दादी की उम्मीद और भी बढ़त जाई, और जब टूटी तो ओकर जिम्मेदार सिर्फ हम हो खब। हमके कुछ करे के होगी पर का करी। हमके ही करे के ही होगी, आपके खातिर, दादी खातिर, तनु के घर में लावे खातिर, अब यह कदम उठावे के होगी। प्रज्ञा इतना सुबह सुबह कहाँ जा रहल होगी? अरे दीदी ई का कर रहल बाड़ू? पूछत रहनी कि कहाँ जा रहल बिया। अरे ओके जाई दी ना, उ बाहर जाई तबे हमनी पार्टी के तैयारी अच्छा से कर सकब, और ओके पता भी ना चली। हम तो सोच ले ही ना रहनी, अच्छा हो गल चल गई, पर अभी तक घर पे बा, ओकर का करी? दीदी हम ओकर इंतजाम कर ले बानी। आकाश कहाँ जा रहल बाड़ा? हम तो नहीं रचना के पास जात रहनी। तू सब इंतजाम कर ले बाड़ा ना? ओ यस दासी, आप टेंशन का है ले भी नहीं। हम सब गेस्ट के फोन कर दे ले बनी और खास इंस्ट्रक्शन दे ले बनी कि भाई के केहू बर्थडे विश ना करिए, और अभी के बाहर भेजे के इंतजाम कर ले ना, तभी तो हम पार्टी के इंतजाम कर सकब। भाई के आज हम इतना बिजी रखे वाला बानी कि उनका याद ही ना रहे। एक मिनट,
प्रज्ञा भाभी के का कल जाए? उ तक खुदे बाहर चल गई। बस गॉड के बोल दकी जैसे ही प्रज्ञा दिखे उ हमनी के तुरंत इन्फॉर्म करे। ठीक है दादी, हम गार्ड्स के बोल देता नहीं। और अरे हाँ, भाई को उठावा तो करे से पहले। गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग आकाश। अरे ई काले क्या गलबा, ई केकरा खाते ले आईला तू? दादी यभी खाते रवि के बर्थडे बना आज, ओके विश करे अलवानी। आप लोगों के अभी तक विश ना कहनी का? तोरा से के कहला कि अभी के बर्थडे है। दादी के कलस का मतलब हमके बतावा ओकर बर्थडे बा, हमार बेस्ट फ्रेंड बा, हमके का ओकर लाखों फैंस के बतावे कि आज ओकर बर्थडे बा। आप लोग अभी तो कोई विश कहना कहनी? अरे तू काहे घबरा रहल बाड़ा, हमनी अभी ला एगो सरप्राइज पार्टी प्लानिंग कइले बानी, और हमनी ओके ऐसे बता रहल बानी जैसे हमनी ओकर बर्थडे भूल गइल बानी। जब ओके पार्टी के पता ना होखी ना, तबे तो सरप्राइज के मजा आई है ना। दादी अगर ऐसा बात रहते हमके पहले का ना बतौनी, हम भी सरप्राइज में आप लोग के साथ देती। राइट, बाय द वे सरप्राइज कब? वो हमनी तहरा के ना बताई। काहे काहे ना बताई? तहर का भरोसा भाई, वो तहर दोस्त हो। इस सरप्राइज हमनी ओकरे साथ ही तहरा के दे। ठीक बा, मत बताई, यही बाने हम भी सरप्राइज हो जाए। सबसे पहले उनको चल के उठा लिया। दादी आप ही संभालिए। लगा था प्रज्ञा दी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर चुकल बा। चलो एक तरह से अच्छा ही भेल, कम से कम ऐसा तरह ना लगी कि वो विश ना कैलस। हे एक मिनट, पहले वो केक लुकवा देता हूँ। हाँ। अभी उठा। काफ गी, कम से कम आज तक सोते दी। चल तू भी सो जा। अरे आज बड़ा मूड में लगा था रू, बड़ा मजाक कर रहा बाड़ो। अरे तोहर बाल इतना छोट कैसे हो गई? आ तोहर दाढ़ी चुभ रहा बा, ये तू दाढ़ी कब से रखे लगलू? आज सेव करके ना आ सकत रहलू का? ओ काबा ना, जब से हम अपना नाम पूरब रख ले बानी तब से दाढ़ी रखे लगल बानी। चला पूरब ही सही। पूरब? तू किस तरह के लेना पागल बड़ा, हम तोरा के किस कहे करा भाई? तो फिर तू दोनों यहाँ पे आईला कहे? तू एक्चुअली हमने तोरा के सरप्राइज देवे आयल बानी। तो तू दोनों के याद बा? का याद आगल भाई, ये प्लान तो कल रात डिसाइड भेल रहे। का डिसाइड भेल रहे? ये कि आपके एक वो मीटिंग प्रोड्यूसर के साथ फिक्स के लिए बनी, वो एग्रीमेंट कर चाहता आपके साथ। ये बतावे आए हम दोनों? तू दोनों हमके ये बतावे यहाँ पे बड़े काहे? कुछ और बतावे के साथ रहे का हमनी के? ये दोनों के भी हमारा बर्थडे नहीं किया था। अब हमके आज कोनो प्रोड्यूसर उड्यूसर से ना मिले के बाद आज के हमारे सारा मीटिंग कैंसिल। एक सेकंड, कहाँ कहाँ कॉन्ट्रैक्ट ना करे के बाद थोड़ा के कोनो? बस मन नहीं खे करत हमार। अभी हम देखा था कि काफी टाइम से तू अपन काम पर ध्यान ना देता रहा। का भाई काम ना करवा, मीटिंग पर ना जी का भाई सभा का चाहता रहा? जितना भी पैसा कमेले बड़ा उसे तू ऐसे लाइफ टाइम ऐसे आराम ना कर पाएगा, जाके काम करा और मिला प्रोड्यूसर से कहे? He's right भाई। सवेरे सवेरे सुना होता रे, कहे कि तू सुबह सुबह काम के मना कर रहा बड़ा। अब तू उठा, जाके प्रोड्यूसर से मिला, तभी हम जाए यहाँ से। अब तू उठा पहले, उठा। चुप यार, 10 मिनट हम चेंज करके बता। अलान तो हम ही लगोले रहनी, आज अभी की बर्थडे और हम अभी तक सूत रहल बानी। गेट अप तनु, गेट रेडी फास्ट, अभी खातिर सरप्राइज प्लान करे के बा, ना तो प्रज्ञा फिर से कोनो प्लान बना ली और अभी के करीब आ जाए। ना 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 ना, हमके जल्दी तैयार होके के बिया। शिट। दादी आप केक के टेंशन मत ली, केक तो यूं ही आ जाए। अरे वो सब तो ठीक बा, लेकिन पूरब ओकरा ऊपर लिखवावे लेना हैप्पी बर्थडे। अभी ना तू आजकल का करेले लिखले नहीं के, वो एगो प्लास्टिक के छोट से कुछ हैप्पी बर्थडे लिखल होवे लेना, उहे लगा देले बस। मिताली भाभी हम हैप्पी बर्थडे लिखवा दे, आप बिल्कुल टेंशन मत लियो। ओके पूरब, वो मीडिया शीडिया के बता देले बड़ा ना सब। हाँ वो आकाश कह रहे कि वो बोल देले बात, बोले देले होगी। ठीक बा। दादी मिताली भाभी अभी नीचे आ रहा बा, आप सब अपन काम पर लग जाए। ओके तू हमारा पैर तब। अरे दीदी आप ऊपर पैर रखी। अरे दासी अब दादी के पैर कहाँ दबा? वो दीदी के ना सर में दर्द बा। सिर में दर्द बा मतलब?
बेटा जब हम पैर दबा रहल बानी तो पैर में ही दर्द होगी ना। कौनो बात ना बेटा, वो पुराना दर्द है। हाँ तो हम डॉक्टर बुला लेता नहीं ना दासी आप। अरे ना 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 ना, डॉक्टर के बुलावे की जरूरत ना बा, हम ठीक बानी बेटा। तो ठीक बा, दादी हम आपके पास रुक जाता नहीं, आपके पैर हम दबा दे, ठीक बा? अरे बेटा तू कितना चिंता करेला हमार, हम बिल्कुल ठीक बानी ना, यकीन हट हट दूर इला, चंगा भला बानी हम। हाँ? कौनो दर्द वर्द ना बिया, ऐसी सही फिकर करत रहेला हमार बेटा। अगर आप ठीक बानी तो दासी पैर कहाँ दबाता नहीं? ओ पाँव, हाँ हाँ बताबा का भाई, हमें के ऐसा ही बोल देनी कि आजकल तू आपन दीदी से प्यार ना करेलू पहले जैसन। इतर रोवे लागल, इमोशनल हो गई, कहे लागल ना दीदी हम तो आपके पहले जैसन प्यार करीले, हमार पाँव दबावे लागल देखावे खातिर। आप तो डरा ही देनी दादी। हाँ बेटा तू जा, जौने कामला जा रहल बाड़ा ना, जा जा बेफिक्र जा, और शाम के मिले जाइए। हाँ अभी अरे इतनु कहाँ से आ गई? ये अभी के विष्णा कर देवे, कुछ करा की देखा हूँ। लड्डू वड्डू लड्डू लड्डू जा तनु अभी तनु 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 हम ना का सोचत रहनी कि आपन हाथ से बनावल लड्डू केकरा के टेस्ट कराए। अब तू आ गई ना, ला तू खा ला। हाँ दादी हाँ खा, अभी से बात करके। इला इला अच्छा है ना, बहुत अच्छा बा। हाँ हाँ हरेला बनवले बनी, ला खा खा। भाई हमनी के लेट होता चला जाए। हाँ हाँ अरे प्रज्ञा कहाँ बिया? पता ना बेटा, हमके तो बतब लगना चल गई बाहर। चलो अच्छा भी हम बतावा तो नहीं हम। अरे रे तनु लला खा खा, अरे खा 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 ना। प्रज्ञा घर पे ना बिया, कहाँ चल गई? कहीं कुछ प्लान तो ना कर रहा बिया? एक 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 ई साइन कर दी। हम पहले एक के पढ़ब उकरा बाद साइन करब। अरे ठीक बा पढ़ ली ना। हाँ एक मिनट, वो नया प्रोजेक्ट के बारे में बता रही ना, वो दिखाई आप। इली वाह वेरी नाइस, व्हाट अ डील, वेरी नाइस। तो हमें को काम करता नहीं, हम एकरा पहले पढ़ब उकरा बाद साइन करब, पर एको कॉन्ट्रैक्ट के कॉपी आपके भेजवा देब। ऑलराइट हम चलता नहीं। भाई 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 आज टाइम मिले लो भाई, तनी कर लेना आज, पता ना फिर आप कहीं बाहर चले जाए। आई आई हने 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 आके देखी ना आप। वेरी गुड, एगो काम करता नहीं, दादी के बोल देता नहीं कि भाई ये जा काम में बिजी हो गए बड़े, वो ऐजा घर पे आराम से डेकोरेशन कर सके ली। आखिरी प्रज्ञा गई कहाँ? कहो सरप्राइज पार्टी में शामिल भी या कहीं और अभी खातिर सरप्राइज प्लान कर रही भी? दासी 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 आपके पता भी है कि प्रज्ञा कहाँ भी? अरे जहाँ भी बिया अच्छा बा, घर पे ना बिया, इस सरप्राइज पार्टी ओकराला भी तो है। देखा उना बिया तो हम लोग कितना अच्छा से काम कर रहे बानी। और हाँ सुनी, तहरा के भी अगर मिले ना तो ओके सरप्राइज पार्टी के बारे में मत बताइया, ठीक बा ना? समझ गई लू ना? लगता कल रात हम प्रज्ञा से जी कहनी वही खातिर कुछ करे गए बिया। ये अच्छा मौका बाबी के भड़कावे के, अगर सरप्राइज पार्टी में कुछ ड्रामा भाई तो अभी प्रज्ञा के दादी के दिल दुखावे ला गुस्सा जरूर करी। हेलो अभी कहाँ बाड़ा? जहाँ भी बानी तू बोला ना। हमके तरह से मिले के बा, कुछ जरूरी काम बा। दुनिया के सारा काम आज हमरे खातिर बा, हम तोरा से ना मिल सके ली, हमें को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बानी। अरे बर्थडे के दिन भी क्यों काम करेला का? चला ना सेलिब्रेट करल जा। और इससे पहले हमरा तरह से कुछ बात करे के बा। तनु प्लीज जिद मत करा। हम कहनी ना हमें को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बानी, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब अरे मैं इतना अंधेरा का है बा, सब कहूं गई बड़े का। दादी फुगी यार, इससे पहले ही घर में कबो इतना सन्नाटा रहे।
कोनो आवाज तक नहीं खेदेत। दादी बर्थडे हमार बच्चा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक होके, भगवान करे हमार सारा उम्र तोहरा के लग जाओ। दादी सरप्राइज। अभी बेटा, ई दीदी के ही आइडिया रहल, उ तोहरा के जन्मदिन पे सरप्राइज पार्टी देवे चाहत रहनी। और जेकर तैयारी सुबह से कर रहल बानी, और हमनी तोहरा के पता भी ना लगे देनी। तोहरा के का लागल, हम भुला गई थी। अरे बेटा, तू तो हमार जिंदगी के सबसे बड़ खुशी बाड़। जौन दिन तोहरा के हमके इतना बड़ खुशी दिलक, उ दिन के हम कैसे भूल सकी। अरे हम ही ना, सबके तोहर जन्मदिन याद रहल। हैप्पी बर्थडे टू यू। पता बा तोरा सबेरे विश करे आवत रहनी, तोहर बर्थडे कैसे भूल सकत रहनी। पर जब यहाँ आनी तो ई सब लोग अपन प्लान में शामिल कर लेने। अच्छा, ये खातिर हमके सारा दिन बिजी रखला ताकि ताकि हमके पार्टी के पता ना चले। दादी प्रज्ञा कहाँ भैया? प्रज्ञा हम देखत बानी। हैप्पी बर्थडे अभी किकरा के ढूंढ रहा बड़ा प्रज्ञा के। डोंट वरी, वो बस आवते होके। वो कहा ना, तहार सरप्राइज पार्टी के स्पॉइल करे खातिर वो स्पेशल प्लान कर रहल बिया। तो तहार दादी जितना खुश नजर आ रहल बिया ना, थोड़ा ही देर में बहुत उदास हो जाइए। तनु हम बहुत अच्छा मूड में बनी, तो ये पे नजर लगावे के कोशिश भी मत करिए। ठीक बा, कोनो बात ना, ना यकीन करे के बाद तो कोनो बात ना, थोड़ा देर में खुद यकीन हो जाए। चलो सब मेहमान आ गए लन, अब केक काटल जाए, सो डिलीशियस। कम 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 आजा। हेलो, सुना सुना, अटेंशन प्लीज। सबसे पहले तो हम आप सबके शुक्रिया अदा करे चाहत बानी कि आप लोग यहाँ आए। काहे कि आपके आईले बिना इस सरप्राइज पार्टी में रौनक ना आवत। तो आज के एक खास दिन पे हम आपके एगो खास खुशखबरी देवे चाहता नी। आप जाने ले कि हमारी जिंदगी में हमार पोता एगो मुकाम तो हासिल कर ले ले बा। वो एगो रॉक स्टार तो बाही, अब वो बाप बने वाला है। हमार पोता के जन्मदिन पे आपो के गुड विशेष तो दे ही रहल बाड़े, पर अब हमार पोता के और हमार बहु प्रज्ञा के अपन आशीर्वाद भी देके जाए। काहे कि आज के दिन आप डबल जश्न मनावा। ये का करल बानी दादी? प्रज्ञा कहाँ रहलू बेटा तू? अभी कब से तरह के ढूंढ रहल बा? दादी आपसे के कल के अनाउंस करावे खातिर आप का कर रहल बानी सबसे? का मतलब?
अरे का ना कहीं यही कि हम प्रेग्नेंट बानी। हाँ तो कहा कि अब हम प्रेग्नेंट ना बानी। हम अपने अबॉर्शन करा देनी। का बोल रहा बाड़ू तू? ना ना बेटा ऐसा बात मजाक में भी ना बोलल चला। देखा जितना लोग आल बाड़े क्यों सुन ले लगता। हम मजाक ना कर अलबानी दादी। आप लोगन के ये बतावे कि चाहे कि हम एबोर्शन करा लेनी बजाय एक रे कि हम प्रेग्नेंट बानी। दादी दादी लंबा सांस ली। दीदी ली ही पानी पी। दादी एक्सक्यूज मी गाइस, दादी की तबीयत खराब होगी की वजह से ये पार्टी ऐसे खत्म होत बा। आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। काहे सीन क्रिएट करता अब का जरूरत रहे दादी के ऑपरेशन वाली बात बतावे की? तो और का करती दादी के हाँ से हाँ मिलाई लोगन की जाके कहती कि हम प्रेग्नेंट बानी हम के कांग्रेचुलेट करा। तो का फर्क पड़ेला लोग विश करिए तनी दिखावा ही तो करे के पड़ी। अब झूठ बोलले बानी तो ये सब तो करे के ही पड़ी। जाने तारी झूठ बोले रही लेकिन जिंदगी भर ये झूठ के साथ इतना जी सकब ना। हम ऐसा तना कहनी लेकिन झूठ खत्म करे के ही सही तरीका नहीं खे। हम तरीका के बारे में ना सोच रहा, हम खाली रिजल्ट के बारे में सोच रहा बानी। हम के जे सही लगल हम कहीं नहीं। तोहरा ही सही लगा था? हाँ हम के सही लगा था और जे नीचे हो रलबा वो गलत था। दादी इतना लोग बुलावले बानी सबके साथ अपन खुशी बांट रहा बानी। खुशी बांटे से बढ़े ली जितना खुशी बड़ी उतनी ओकरा छीन गईला पे तकलीफ होगी। जितना सपना दादी देखी है ओकरा टूटला पे उनकी तकलीफ भी उतनी ज्यादा होगी। अब कहीं ना समझ रहल कि हमने झूठ बोल के अपन ही परिवार के बेवकूफ बना रहा बानी। लेकिन झूठ के खत्म ना कही के आप खुद के बेवकूफ बना रहा बड़ा यही से ही कर बहुत जरूरी रहा। तो थोड़ा दिन तक रुक ना सकता रहू तू देख ले ना दादी कितना खुश रहनी। अब देखा दादी कौन हालत में बानी और तुरा इतना सारा लोग नजर नहीं ले। एक बार भी ना सोच लू कि वो लोग का सोची है। आप सोच ले बड़ा कि यही लोगन की जब सच की पता चली तब का सोची यही लोग। ये बका के हमके पता ना लेकिन तब तक एक घर के बहुत बदनामी हो चुकल होगी और तब दादी के और ज्यादा तकलीफ होगी। तू समझत काहे नहीं? आप ना बड़ा हमने जौनी चीज के इंतजार करत रहनी बुलबुल के शादी के वो तो ये बकत ना हो रल पिया। और कल के जब तनु के पेरेंट्स आ जाएंगे तब वो लोग सारा सच अगर दादी के बता दे तो वो लोग अपन तरीका से बताइए और हम लोग तब कुछ न कर पाई। बाकी अबॉर्शन ही का है पता भाई वर्ड सुन के दादी की कितना तकलीफ होगी। उनका तो यह लगी कि जान बुझ के उनकर खुशी छिन ले बहु। हम यही चाहत बानी कि दादी के ये एहसास हो कि हम कितना बुरा बानी जी हम उनकर सारा खुशी उनका सारा सपना उनसे छीन लेनी। उनके नजर में गिरफ तबे तो ये घर से हमके निकली है और हमके आपन करल पे जरा भी अफसोस ना भी है।